हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर की। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधा आपको पहले ले चलता हूँ जो आज के दिन अपडेट निकल कर सामने आया है। तो यहाँ देख सकते कि ये आज ही के दिन का अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने जो एक्सचेंज को सबमिट किया है इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग पर्सुएंट टू रेगुलेशन, उसके हिसाब से जो इन्होंने कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट का जो क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड है वो यहाँ पे उसका डेट अनाउंस किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने उसे 14 नवंबर 2022 यानी जो मंडे है ये वो डेट यहाँ पे सेट किया है कि 14 नवंबर को ये जो रिजल्ट ये पोस्ट करने वाले हैं मंडे को। तो दोस्तों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक जो बीच में डिक्लाइन आया था उसके बाद से ये देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो पहले का परफॉर्मेंस है वहाँ से बहुत सारा पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार था। और ये कंपनी का लेकिन अगर प्राइस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा जो बात करता हूँ आपको डिलीवरी पर ध्यान देना, देख सकते कि यहाँ पर जो अगस्त के महीने में 3.25 पर ट्रेड कर रहा है धीरे धीरे स्लोली, यहाँ पर वॉल्यूम जब तक है तब तक है, उसके वहाँ पे एक कंसोलिडेशन जारी था लेकिन उसके बाद से जब ब्रेकडाउन हुआ है 3 रुपीज़ का, उसके बाद से आपको सीधा सीधा 2.5 रुपीज़ पे वॉल्यूम पिकअप होता हुआ दिखाया, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 2.5 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट है, वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आया था लेकिन फिर से करेक्शन है। तो दोस्तों ये 2.5 का आपको प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, तो यहाँ देखिए FII की होल्डिंग अभी बरकरार है और बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी 19.65 है। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्राइस पे हमेशा 2.5 पे एकदम ध्यान रखना है। 2.5 जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे और भी डाउन ट्रेंड आएगी, और अगर 3 के ऊपर निकलता है तो फिर से ये बुलिश और अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये दोनों प्राइस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ा लोअर लेवल बाई किया हुआ है तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नया बाई करना है तो आपको इस दोनों लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा 2.5 पे, या फिर आप 3 रुपीज़ के ऊपर बाई कर सकते हो, वहाँ से आप टारगेट 3.5 के सेट कर सकते हैं और दूसरा टारगेट आप वहाँ पे 4 रुपीज़ के भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो टारगेट है वो आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म का है। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूं, मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूं। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।